टर्की ने एक बार फिर से भारत को बहुत ही बड़ा झटका देते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है, जिसके बाद अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। ये चीज तो खैर आपको भी पता होगी कि इन दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76th सेशन चल रहा है, जिसको दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी दुनिया भर के पीएम प्रेसिडेंट संबोधित कर भी रहे हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में लगातार करते रहेंगे। ये सेशन 21 सितंबर को शुरू हुआ था, जो कि 30 सितंबर को जाकर खत्म होगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी इसको संबोधित करेंगे और इसके साथ क्वाड मीटिंग अटेंड करने के लिए वो आज अमेरिका के लिए रवाना भी हो गए हैं। बस इसी सेशन में आज टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का भी संबोधन यानी कि स्पीच थी, और स्पीच में अर्दोगान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बोला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम 74 सालों से कश्मीर में चल रही समस्या को पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से और रेलेवेंट यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस यानी संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के ढांचे के भीतर रहकर इस मसले को हल करने के पक्ष में अपना रुख बनाए रखते हैं। अर्दोगान ने इससे पहले भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दा पहले भी उठाया है। आज अर्दोगान ने कश्मीर के साथ साथ चाइना के शिनजियांग रीजन के वीगर मुस्लिम्स और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी बोला है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान ने अपनी स्पीच में कहा, चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव यानी चीन की क्षेत्रीय अखंडता के परिप्रेक्ष्य में हम मानते हैं कि वीगर मुस्लिम तुर्कों के बेसिक राइट्स यानी वीगर मुसलमानों के मूल अधिकार सुनिश्चित करने में चाइना को अभी और अधिक प्रयासों की जरूरत है। रोहिंग्या मुसलमानों पर बोलते हुए अर्दोगान ने कहा कि हम रोहिंग्या मुसलमानों की उनकी मातृभूमि में सुरक्षित स्वैच्छिक सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने का भी समर्थन करते हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार के शिविरों में कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। साथ में अर्दोगान ने इसराइल पलस्तीन का मसला भी उठाया, यानी हर वो हरकत की जिससे वो मुस्लिम देशों का खलीफा के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूएन जनरल असेंबली की अपनी स्पीच के दौरान साइप्रस का मुद्दा क्या उठाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि साइप्रस मुद्दा टर्की की कमजोरी है। या फिर पीएम मोदी अपनी स्पीच में टर्की के खिलाफ कुछ भी ना बोले और फिर भारतीय सरकार आगे आने वाले कुछ दिनों में टर्की के खिलाफ कोई कंक्रीट स्टेप उठाए, जिस तरह सरकार ने कश्मीर में दखल देने पर मलेशिया को पनिश करने के लिए उनके पाम ऑयल पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। क्या वैसा कोई कदम सरकार टर्की के खिलाफ उठाती है या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद पता चलेगा। जहां तक बात टर्की को जवाब देने की है, वो तो खैर भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हमेशा की तरह दे भी देंगे, लेकिन इस बार टर्की के खिलाफ कोई ना कोई सख्त कदम तो जरूर उठाना पड़ेगा। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टर्की के साथ जो भारत का हर साल बायलेटरल ट्रेड होता है, उसमें ट्रेड डेफिसिट भारत के पक्ष में है, यानी टर्की के साथ ट्रेड करने में हमें ज्यादा फायदा होता है। लेकिन ये चीज भी नोट करने वाली है कि टर्की के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसमें हमें तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। ऐसे में 2-4 बिलियन डॉलर्स के लालच में हमें देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भारतीय सरकार के पास टर्की के एक और दुश्मन ग्रीस के रूप में है, जिसके साथ हमें फ्रांस की तरह मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए ताकि टर्की को सबक सिखाया जाए। रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ग्रीस के दौरे पर भी गए थे और हमारी और ग्रीक नेवी के बीच एक छोटा सा नेवल युद्धाभ्यास भी हुआ था। लेकिन अब समय आ गया है कि ग्रीस के साथ भारत अपने सैन्य संबंध मजबूत करे और बड़े लेवल पर लार्ज स्केल की एक्सरसाइजेस करे।